हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितेश एंड वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम सीआरपीसी कॉन्सेप्ट सीरीज़ के साथ ही एविडेंस की कॉन्सेप्ट सीरीज़ पैरेलल स्टार्ट कर रहे हैं। अब एविडेंस की कॉन्सेप्ट सीरीज़ को हमने सेक्शंस पे डायरेक्टली जाने से पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन को पार्ट वन और पार्ट टू में हम आपको समझाएंगे। ये दोनों पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक्स आपको क्लियर करेगा एविडेंस एक्ट की, और ये पूरे एविडेंस एक्ट को समझने का बेसिस है। अगर आपको ये दो वीडियोस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हम आपको समझाने चाह रहे हैं, बहुत बेसिक है, बहुत लेमेन लैंग्वेज में भी आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आए, तो एविडेंस एक्ट आपके लिए हमेशा से बर्डन बना रहेगा और आई बेट कि आप हमेशा गलतियाँ करते रहेंगे एविडेंस एक्ट में। ये दोनों कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट वन पार्ट टू ज़रूर देखिएगा। अभी पार्ट वन में हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट वन में आप हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है एविडेंस के, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या वेरी करता है एविडेंस, क्या रूल्स एविडेंस के सिविल प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट का हम देखेंगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें एक्सप्लेन करता है, समझाता है, और साथ ही साथ हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, फैक्टिव इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ये एट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो में समझने के लिए। ये पॉइंट जिसने भी स्किप किया उसको एविडेंस एक्ट में हमेशा दिक्कतें होगी। फ्रेंड्स, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उसी से पार्ट टू का वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखते हैं कि एविडेंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडेरे से डिराइव हुआ है। उसका मतलब क्या है कि टू शो क्लियरली या डिस्कवर क्लियरली, यानी बिना कोई डाउट के, बिना किसी सस्पिशन के आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी, सारी चीज़ें क्लियर इस तरीके से करनी कि कोई डाउट या सस्पिशन ना रहे। तो दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस। एविडेंस किससे डिराइव हुआ है? लैटिन टर्म एविडेंट या एविडेरे। अब एविडेंस एक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था पास करने का एविडेंस का? इसका एक ही ऑब्जेक्ट था कि आपको जो भी एविडेंस कोर्ट एडमिट करता है एक करेक्ट तरीके से करे, एक यूनिफॉर्म मेथड से करे, एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हो, सब कोर्ट की अलग अलग ना, और एक डिसिप्लिन लाया जाए कि किस तरीके से कोर्ट एविडेंस को एडमिट करेगा, एडमिशन लेगा एविडेंस का, एक डिसिप्लिन तरीके में, एक यूनिफॉर्म तरीके में। सोल पर्पस एविडेंस एक्ट का यही था। अब एविडेंस एक्ट जो ड्राफ्ट किया गया है वो किया गया है सर जेम्स स्टीफन। ये बहुत बार फिल्म्स में पूछते हैं, ध्यान रखना, सर जेम्स स्टीफन ने एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया है। अब जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये है प्रोसीजरल लॉ। ये सब्सटेंटिव राइट्स की पार्टीज की राइट्स को अफेक्ट नहीं करता है। अब जैसे हम बेसिक तरीके से देखें तो लॉ क्या होता है, दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है एक सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी क्या राइट्स होगी, क्या लाइबिलिटीज़ होगी। बेस्ट एग्जांपल आप इसका ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और प्रोसीजरल लॉ वो लॉज होते हैं, वो पूरे रूल्स का सेट होते हैं जो आपके कोर्ट प्रोसीडिंग्स को गवर्न करते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके सब्सटेंटिव लॉ के राइट्स हैं आप उनको कोर्ट में कैसे एनफोर्स करवा सकते हो, उसको गवर्न करने के जो रूल्स वगैरह दिए गए होते हैं वो प्रोसीजरल लॉ डिटरमाइन करता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? लॉ बेसिकली दो तरीके का होता है, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ आपकी राइट्स और ड्यूटीज डिटरमाइन करता है, और प्रोसीजरल लॉ अगर एक लाइन में बोला जाए तो कोर्ट में आपकी उन राइट्स और ड्यूटीज़ को जो सब्सटेंटिव लॉ में गिवन है उनको कैसे एनफोर्स करवाओगे वो बताता है प्रोसीजरल लॉ। अब एक चीज़ और, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा, वो इंडियन एविडेंस एक्ट एनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872। ये डेट याद रखनी है, एनफोर्सिंग डेट कुछ कुछ स्टेट्स में पूछी जाती है प्रीलिम्स के अंदर, बाकी जनरली काम की नहीं है। और यही सेम डेट आपको ध्यान रखनी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। चलिए अब देखते हैं कि एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको लाइटली मत लीजिएगा, मैं फिर से वॉर्न करता हूँ। अगर आपने ये दो वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू एविडेंस एक्ट का लाइट लिया तो एविडेंस एक्ट आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा, हमेशा बर्डन रहेगा। अब हम देखेंगे कि एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता है। हमें जनरल रूल की तरह सोच के नहीं बैठना है कि एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर।
ये तो है ही है, साथ ही साथ एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे जो कोर्ट के सामने होती है, जिसमें कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स भी इंक्लूड है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में जो होती है उसमें तो एविडेंस एक्ट अप्लाई हो रहा है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्या मतलब है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है ये 2 ICRPC में डिफाइन है, जो क्या बताता है, दोज प्रोसीडिंग्स वेयर एविडेंस कैन बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जहाँ पे एविडेंस शपथ पे लिया जाता है, वो सारी कार्रवाई को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोला जाता है। अब अभी हमने देखा एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई करता है, अब हम देखेंगे एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं करता है। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि JNK पे तो अप्लाई नहीं करता है, सेकंड एफिडेविट पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता है। एफिडेविट को आप एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत लोग गलतियाँ करते हैं कि सर उस पर्सन ने एफिडेविट दे रखा है, उस पर्सन ने एफिडेविट दे रखा है। नहीं, एविडेंस एक्ट क्लियरली बोलता है कि एफिडेविट पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी एज एन एविडेंस वो एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका एक सोल रीज़न है, ये बहुत कम लोगों को पता है। एविडेंस को आप तभी कोर्ट में एडमिसिबल या रिलेवेंट मानते हो या एकदम कॉन्क्रीट मानते हो जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज क्लियर करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज को हम लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा। अगर कोई विटनेस, कोई भी एविडेंस एग्जामिनेशन इन चीफ में जो स्टेटमेंट दिए हैं, ओके, वो फिर भी रिलेवेंट नहीं होते, कंक्रीट नहीं होते, नहीं माने जाते जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज वो पार नहीं कर लेता, यानी अग्नि परीक्षा पार नहीं कर लेता है। और एफिडेविट का आप क्रॉस एग्जामिनेशन कभी कर नहीं सकते हो, इसीलिए एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है। सेकंड, आर्बिट्रेटर पे भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। आर्बिट्रेटर पे एविडेंस एक्ट इसीलिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो आर्बिट्रेटर के सामने होती है, जो आर्बिट्रेटर कंडक्ट करता है, उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं बोला जाता। आर्बिट्रेटर के सामने एविडेंस कभी भी ओथ पे नहीं लिए जाते, इसीलिए उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं बोला जाता। थर्ड, कोर्ट मार्शल जो आपके हुए हैं आर्मी नेवी और डिसिप्लिन, आर्मी नेवी डिसिप्लिन और एयरफोर्स एक्ट के अंदर अगर कोई कोर्ट मार्शल हुआ है तो उन पे अप्लाई नहीं करेगा। इनके अलावा अगर कोई भी और एक्ट में कोर्ट मार्शल हुआ है तो उन पे अप्लाई करेगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वापस एक बार देख लेते हैं एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता है। एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, दूसरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट के सामने जिसमें कोर्ट मार्शल इंक्लूड है। अब किस पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता एफिडेविट पे, एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता आर्बिट्रेटर के सामने प्रोसीडिंग्स पे, थर्ड कोर्ट मार्शल अगर कोई आर्मी नेवल डिसिप्लिन और एयरफोर्स एक्ट के अंदर हुआ है तो उन पे अप्लाई नहीं करता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि एविडेंस एक्ट के कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है, क्या 3 पिलर है जिस पे एविडेंस एक्ट खड़ा है। ये 3 पिलर हमें हमेशा ध्यान में रखने थ्रू आउट द एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ें। सबसे पहला है कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, यानी एविडेंस आप सिर्फ उन्हीं का देंगे जो फैक्ट आपके पार्टीज के बीच में डिस्प्यूटेड है। दैट इज, हम उसे मैटर इन इशू भी बोलते हैं, हम उन्हें डिस्प्यूटेड फैक्ट्स भी बोलते हैं, हम उन्हें फैक्ट इन इशू भी बोलते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है कि हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, सुनी सुनाई बातें कोर्ट में ग्राह्य नहीं होनी चाहिए, सुनी सुनाई बातें कोर्ट में एज ए साक्ष्य एज ए एविडेंस एडमिटेड नहीं होनी चाहिए। थर्ड, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, यानी आपके पास जो भी अप्रोप्रिएट है, जो भी बेस्ट एविडेंस है, वो सारे केसेस में सबसे पहले दिया जाना चाहिए और वो ही दिया जाना चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है। तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या हुए एविडेंस के, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू फैक्ट इन इशू, सेकेंड हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, थर्ड द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। हालांकि इन प्रिंसिपल्स के कुछ ना कुछ एविडेंस एक्ट के अंदर एक्सेप्शंस दिए गए हैं, सेक्शंस के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये आपको सेक्शन के साथ ये प्रिंसिपल्स भी क्लियर करते रहेंगे। अब आके देखते हैं हम कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या डिफरेंस है, एविडेंस की स्टेज का क्या फ़र्क पड़ता है, सिविल में क्या कितना एविडेंस दिया जाता है, क्रिमिनल में कैसे क्या होता है। सिविल के अंदर हमें सिर्फ प्रिपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी शो करनी है, यानी आपको सिर्फ जताना है अगले वाले से ज़्यादा हक आपका बनता है। आप अगर सिविल केस में ये शो कर देते हैं तो केस आपके फेवर में आ जाता है, पर क्रिमिनल केस में आपको हमेशा रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड ही गिल्ट प्रूव करना होता है। अगर एक भी डाउट कोर्ट के माइंड में रह गया तो आप गिल्ट प्रूव नहीं कर पाते और इसका बेनिफिट अक्यूज्ड को मिलता है। रूल्स ऑफ एविडेंस जो सिविल केस में हम उन्हें रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा छूट दे सकते हैं, पर क्रिमिनल केसेस में एकदम स्ट्रिक्ट है, आपको छूट मिल ही नहीं सकती।
यानी आपको रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव करना ही है। अब सिविल केसेस के अंदर क्या है, पार्टीज़ की ड्यूटी है कि वो अपना केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे, कोर्ट के समक्ष अपना केस रखे, पर क्रिमिनल केस में ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो रिलेवेंट एविडेंस को रिकॉर्ड करे। सिविल केसेस के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होता है वो लो होता है, क्योंकि यहाँ एविडेंस के रूल्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट को प्रूव करना होता है। सिविल केसेस के अंदर अक्यूज्ड जो है हमेशा प्रिज्यूम्ड होता है इनोसेंस, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि सिविल केसेस में अक्यूज्ड जो है हमेशा इनोसेंट इनोसेंट अज्यूम्ड होगा, प्रिज्यूम्ड होगा। क्रिमिनल केसेस के अंदर अक्यूज हमेशा इनोसेंट प्रिज्यूम्ड होता है जब तक उसकी गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होती। अब अगर सिविल केसेस में कोई बेनिफिट अराइज होता है, डाउट अराइज होता है सॉरी, उसका बेनिफिट अक्यूज्ड को या कोई भी पार्टी को नहीं दिया जाता। सिविल केसेस के अंदर अगर कोई डाउट अराइज हो गया है तो उसका बेनिफिट पार्टीज को नहीं दिया जाता। क्रिमिनल केस के अंदर अगर बेनिफिट अराइज हो गया तो उस अगर डाउट अराइज हो गया है तो उसका बेनिफिट हमेशा अक्यूज्ड को दिया जाता है। सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ कह लो, या करेक्ट वर्ड यूज़ करना सही होगा, ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो दोनों पार्टीज पे रहता है। क्रिमिनल केस में ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे रहता है, पीपी पे रहता है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है कि सिविल केस या सिविल एविडेंस, सिविल केसेस में एविडेंस में क्या है डिफरेंस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के एविडेंस में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि एविडेंस क्या है और ये कितने टाइप का है। अब एविडेंस अगर हम इन शॉर्ट देखें, जो सेक्शन 3 की अगर इंटरप्रिटेशन क्लॉज की डेफिनेशन जाए, तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमारे पास नहीं है एविडेंस एक्ट की। एविडेंस एक्ट ये जो सेक्शन 3 बोलती है वो क्या बोल रहा है कि दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस क्या होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स विटनेस के द्वारा दिए गए जिनको कोर्ट परमिट करता है, कोई भी फैक्ट के रिगार्डिंग जो कोर्ट में अंडर इंक्वायरी है, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो विटनेस देता है जिसको कोर्ट परमिट करती है, अलाउ करती है, या कोर्ट को ज़रूरत है किसके लिए, कोई भी फैक्ट जो कोर्ट में अंडर इंक्वायरी है, वो सारे एविडेंसेस जो स्टेटमेंट जो विटनेसेस देता है उन सारे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओरल एविडेंस। और अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो सारे एविडेंस हुए जब वो डॉक्यूमेंट्स, जब डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं, किस पर्पज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जब इंस्पेक्शन के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो उनको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब यहाँ हम आगे अभी पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट एविडेंस एक्ट को, एविडेंस एक्ट ने डॉक्यूमेंट को क्या डिफाइन किया है। एविडेंस एक्ट ने डॉक्यूमेंट को सिर्फ यही नहीं बोला कि एनीथिंग रिटन ऑन प्रिंटेड पेपर, एनीथिंग रिटन ऑन पेपर इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, नहीं। अगर आप ये दिमाग में लेके बैठे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिटन फॉर्म में है कोई पेपर पे, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, तो नहीं, गलत। एविडेंस एक्ट के अभी सेक्शन 3 हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो आपका ये डाउट क्लियर करेगा। फिर हम देखेंगे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस के, एविडेंस के कितने टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला आता है कि डायरेक्ट एविडेंस। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस होता है जब प्रिंसिपल फैक्ट की जो टेस्टिमनी करता है ना विटनेस डायरेक्ट करता है, जब विटनेस डायरेक्ट कोर्ट में आके स्टेटमेंट देता है। एग्जाम्पल को जब पर्सन, मैं अगर मैंने कोई क्राइम होते हुए देखा है और मैं कोर्ट में जाके कहता हूँ कि सर मैंने ये एक्ट होते हुए देखा था और जिसको जिससे क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट एविडेंस हुआ, यानी डायरेक्ट टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस इन द कोर्ट। सेकंड आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये होता है जैसे कि हमें डायरेक्ट टेस्टिमनी तो नहीं है, पर मैं कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे रिलेवेंट फैक्ट की मैं टेस्टिमनी करता हूँ जिससे इन्फर्ड किया जा सकता है कि फैक्ट इन इशू जो है वो कंडक्ट हुआ था, फैक्ट इन इशू एग्जिस्टेंस में था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट टेस्टिमनी तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कुछ ऐसे फैक्ट की टेस्टिमनी कर रहा हूँ जिनसे इन्फर कर सकते हैं कि सर हाँ ये फैक्ट इन इशू जो है, अभी मैटर इन इशू है, ये एग्जिस्टेंस में था। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर कैसा होना चाहिए, ये हमेशा एक चेन में होना चाहिए, और चेन सारी आपस में, चेन कैसे कनेक्ट होती है, वैसे सारी कड़ियाँ कनेक्ट होनी चाहिए। अगर कुछ अनब्रोकन मिल गया तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई रिलायबिलिटी नहीं रहेगी।
अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है रियल एंड पर्सनल एविडेंस। अब रियल एविडेंस क्या होता है, वो सारे एविडेंस या वो सारे मैटर जो कोर्ट खुद परसीव करता है। एग्जाम्पल, कोर्ट के सामने कोई एक पर्सन खड़ा है जिसके चेहरे पे कुछ स्कार है, कट आया हुआ, तो ये कोर्ट खुद देख रहा है, तो ये हो गया रियल एविडेंस। या कोई ऑब्जेक्ट जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गन है, कोई वेपन है, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है, तो वो सारी हो गई रियल एविडेंस। फिर आता है हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस को हम इन शॉर्ट में बोल सकते हैं सुनी सुनाई बातें, या सेकेंड हैंड एविडेंस बोलते हैं हम इनको। इनकी जो टेस्टिमनी होती है ना, वो कोर्ट के बाहर दी जाती है, ऑफर की जाती है, जिसमें ये होता है कि वो एविडेंस उन्होंने खुद ने नहीं सुना है। हेयर से एविडेंस में क्या होता है, इनको हम सेकेंड हैंड एविडेंस क्यों बोलते हैं, कि ना इन्होंने खुद ने क्राइम होते हुए देखा ना कोई बात, ये सिर्फ सुन सुन के, सुनी सुनाई बातों की जब टेस्टिमनी देने आते हैं, उनको बोलते हैं हेयर से एविडेंस। जैसे मान लीजिए मैंने सुना था कि ए ने बी का मर्डर किया है, और यही टेस्टिमनी जाके मैं कोर्ट में देता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये हेयर से एविडेंस हुआ। फिर आता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मतलब होता है बेस्ट या ओरिजिनल एविडेंस, जब प्रोड्यूस होता है उसे प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ये इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। सेकेंडरी एविडेंस इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस। ये हम आगे एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे आपको सेक्शंस में, डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे प्रूव किए जाते हैं, प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस, तो वहाँ पे आपका काम आएगा। फिर आता है पॉजिटिव एविडेंस और नेगेटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस ये होता है जो आपका फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में हेल्प करता है, यानी प्रूव करता है फैक्ट की एग्जिस्टेंस को। नेगेटिव होता है जो डिनाई करता है फैक्ट की एग्जिस्टेंस को, वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एविडेंस। और ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने अभी देखे, ओरल वो सारे स्टेटमेंट्स जो कोर्ट के अंदर विटनेसेस द्वारा दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं फॉर इंस्पेक्शन, दैट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी टर्म्स हमें दिमाग में बैठानी है, क्लियर करके रखनी है एक ही बार के अंदर। सेक्शन 3 में सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोर्ट की, कि कोर्ट में कौन इंक्लूड होगा कौन नहीं होगा। तो कोर्ट में इंक्लूड होंगे जज और मजिस्ट्रेट और वो सारे पर्सन जो लीगली ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए। पर कोर्ट में कौन इंक्लूड नहीं होगा, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। अब जब आर्बिट्रेटर कोर्ट में इंक्लूड नहीं है तो एविडेंस एक्ट इस पे वैसे भी अप्लाई नहीं कर रहा। सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे फैक्ट की। फैक्ट कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, इंटरनल फैक्ट एक्सटर्नल फैक्ट। अब एक्सटर्नल फैक्ट क्या होता है, वो सारे फैक्ट जिन्हें हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने पांचों सेंसेस से हम जिस फैक्ट को देख सकते हैं परसीव कर सकते हैं, वो सारे होते हैं एक्सटर्नल फैक्ट। और इंटरनल फैक्ट क्या होता है, कोई पर्सन की मेंटल कंडीशन क्या है इसके बारे में अगर आप अवेयर हो, कॉन्शियस हो, तो वो सारे होते हैं इंटरनल फैक्ट। एक्सटर्नल फैक्ट होगा जो आप परसीव कर सकते हो, इंटरनल फैक्ट होगा किसी पर्सन की मेंटल कंडीशन के बारे में अवेयर होना, डेट इज़ कॉल्ड इंटरनल फैक्ट। फिर हम देखते हैं, हम ये कहते हैं कि सर ये रिलेवेंट है या नहीं है, ये क्या रिलेवेंट क्या क्या नहीं। रिलेवेंट का मतलब क्या है, एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। रिलेवेंट मतलब ये बोला गया है कि जब सेक्शन 6 से 55 में एविडेंस एक्ट की अगर कोई फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरीके से जैसे सेक्शन 6 से 55 एविडेंस एक्ट का बताते हैं, तो वो सारे फैक्ट बोले जाते हैं रिलेवेंट फैक्ट। यानी यह आप समझने वाली बात है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ये DGS में हल्का सा डिफरेंस है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो डिफाइन कहाँ है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो सेक्शन 5 से 55 में डिफाइन है, पर फैक्ट्स विच आर रिलेवेंट ये कहाँ डिफाइन है, फैक्ट्स विच आर रिलेवेंट जो है वो 6 से 55 में डिफाइन है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है ये, जब मैं आपको सेक्शन 5 कवर करूँगा तब आपको बताऊँगा कि सेक्शन 5 को फैक्ट्स विच आर रिलेवेंट में क्यों कवर नहीं किया गया है। फिर अब हम देखेंगे हम कब से सुन रहे हैं फैक्ट इन इशू। जैसे हमने कार्डिनल प्रिंसिपल देखा था कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू फैक्ट इन इशू या मैटर इन इशू। अब ये फैक्ट इन इशू क्या हुआ, फैक्ट इन इशू अगर इन शॉर्ट लैंग्वेज में बोले हम, तो डिस्प्यूटेड फैक्ट जो पार्टीज़ के बीच के अंदर है, पार्टीज़ के बीच का मुद्दा क्या है, रियल डिटर्मिनेशन किन क्वेश्चंस में हमें करना है, वो सारे क्वेश्चंस को हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं। फैक्ट इन इशू जो डिस्प्यूट है पार्टी के बीच में, यानी कोई ऐसा फैक्ट जिसके एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पे या राइट या लाइबिलिटी पे एक पार्टी असर्ट कर रही है दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, तो वो सारे फैक्ट्स को हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। क्लियर।
फिर आती है आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की। अभी जैसे हमने पीछे कहा था कि एविडेंस दो तरीके के होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब सिर्फ वो एविडेंस नहीं होगा जो पेपर पर रिटन होगा। तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड होगा आपका कोई भी, आप कोई भी सब्सटेंस पे, सबसे पहले दिमाग में रखना, कोई भी सब्सटेंस पे आप या तो एक्सप्रेस करते हो या डिस्क्राइब करते हो कोई भी मीन्स के थ्रू, चाहे साइन हो, विजिबल मीन्स हो, कोई भी मीन्स के थ्रू, किस पर्पज़ से करते हो कि वो रिकॉर्ड किया जा सके एक पर्टिकुलर मैटर में। तो ऐसे चीज़ को, ऐसे सब्सटेंस को, जो भी चीज़ रिटन है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। फिर से सुनना, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मैंने डेफिनेशन से बाहर निकाला है। डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? कोई भी सब्सटेंस पे जब पर्सन एक्सप्रेसली 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 डिस्क्राइब करता है या डिस्क्राइब करता है कोई भी मीन्स के थ्रू, चाहे साइंस हो, लैंग्वेज हो, रिटन हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी, इस पर्पज़ से कि वो रिकॉर्ड किया जा सके मैटर में, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे अब बेस्ट एग्जांपल लो, अब आपका अगर क्लियर करना है, मैंने एक दीवार पे कहीं कुछ लिख रखा है तो क्या वो डॉक्यूमेंट होगा? हाँ, वो डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि वॉल इज़ अ सब्सटेंस और यहाँ पे हमने यूज़ किया था एनी सब्सटेंस। तो अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर जब वॉल पे कुछ लिखा है तो वॉल तो मूव कर नहीं सकती, तो उसको कोर्ट के सामने कैसे लेके आएंगे इंस्पेक्शन के लिए? तो कोर्ट क्या करेगी? टीम बनाएगी जो जाएगी, जिसको हम जनरली बोलते हैं कमीशन, इशू करेगी, वो जाके एविडेंस को जो है वेरीफाई करेगी, इंस्पेक्ट करेगी और उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेजेगी। और ऐसा का एविडेंस को, ऐसी रिपोर्ट के एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। ये सेक्शन 65 के अंदर कवर किए जाएंगे, जो आपको बताएगा किन केसेस के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल हो। नेक्स्ट अब देखेंगे अब डेफिनेशन के, प्रूव क्या होता है? प्रूव्ड मतलब क्या है? प्रूव्ड मतलब ये होता है कि कोर्ट जब कोई फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मानता है, बिलीव करता है, ऐसे कि ऐसी सेम सिचुएशन के अंदर एक नॉर्मल प्रूडेंट आदमी भी उन फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मानता। क्या मतलब? प्रूव्ड मतलब यह है कि कोर्ट एक फैक्ट के एग्जिस्टेंस को इस तरीके से मानता है जैसे एक प्रूडेंट आदमी, एक नॉर्मल आदमी भी इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर, पर्टिकुलर केस की सर्कमस्टेंसेस के अंदर, उस फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को मानता। दैट इज़ कॉल्ड प्रूव्ड। फिर सेकंड आता है डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड मतलब क्या होता है? कि ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट बिलीव नहीं करता कि ये पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक उसी तरह के जैसे एक नॉर्मल आदमी भी इन पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, सर्कमस्टेंसेज के अंदर, केस की, उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता, नहीं मानता कि ऐसे फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड डिसप्रूव्ड। अब आता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब होता है एक ऐसा फैक्ट जिसको ना तो प्रूव किया गया ना ही डिसप्रूव किया गया, यानी कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस को भी नहीं मान रहा है और नॉन एग्जिस्टेंस को भी नहीं मान रहा है। तो ऐसे फैक्ट को बोलते हैं नॉट प्रूव्ड। अब हमारा आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये हम कहते हैं ना कि फैक्ट इन इशू तो डायरेक्ट मुद्दा, रिलेवेंट फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जो डायरेक्ट तो इशू में नहीं होते पर एक बेसिस देते हैं फैक्ट इन इशू को क्लियर करने का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि हम अभी जो पढ़ेंगे आगे सेक्शन, आगे जो हमारा चालू होगा पार्ट 3 कॉन्सेप्ट सीरीज से, सेक्शन 5 से जो हम 55 तक पढ़ते हैं, वो सब क्या बताते हैं कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे, यही सारी चीज़ें बताती है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यही सारी सेक्शन 5 से 55 बताती है। तो अब हम देखेंगे कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेक्शन 5 से 55 आपको समझना है तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फैक्ट इन इशू को और रिलेवेंट फैक्ट को। अब फैक्ट इन इशू वो चीज़ हो गई जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है कोई राइट या लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए, राइट या लाइबिलिटी इसी पे ही डिपेंडेंट होती है। रिलेवेंट फैक्ट के अंदर ये मेयर एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस बताता है राइट या लाइबिलिटी की, यानी ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं है, ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है कि बताने में कि सर ऐसी राइट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। अब इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। फैक्ट इन इशू को हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्ट इन इशू को बोलते हैं हम फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल फैक्ट, ये होते हैं प्रिंसिपल फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट को हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस। फैक्टम प्रोबेंस मतलब क्या होता है? एविडेंशरी फैक्ट। अब ये आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा कि फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट क्या है। फैक्ट इन इशू प्रिंसिपल फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट इज कॉल्ड एविडेंशरी फैक्ट। फिर थर्ड, फैक्ट इन इशू क्या होता है? ये मैटर जो होते हैं वो खुद डिस्प्यूट के अंदर होते हैं,
जो एक पार्टी अफर्म करती है दूसरी डिनाई करती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन में, और रिलेवेंट फैक्ट भी जैसे अभी स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये फाउंडेशन होते हैं जिससे इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग, यानी ये हेल्प करता है फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में कि क्या फैक्ट इन इशू वाकई में एग्जिस्टेंस में था या नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंस हेल्प करने में प्रूव करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस में हमें ध्यान रखनी है कि आप फैक्ट इन इशू को रिलेवेंट फैक्ट के थ्रू ही प्रूव कर सकते हैं, रिलेवेंट फैक्ट के थ्रू ही प्रूव कर सकते हैं। फैक्ट इन इशू को हम प्रिंसिपल फैक्ट बोलते हैं या फैक्टम प्रोबेंडम बोलते हैं, ये दोनों ही अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल फैक्ट किसको बोला जाता है या फैक्टम प्रोबेंडम कौन कौन किसको बोला जाता है। एमसीक्यू में बहुत बार आता है, बहुत से स्टेट के पेपर में अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा फ्रीक्वेंटली। और रिलेवेंट फैक्ट होता है एविडेंशियरी फैक्ट और इसको हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस। तो ये था फ्रेंड्स आज का कॉन्सेप्ट पार्ट वन वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा समझा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है एविडेंस एक्ट के, एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, एविडेंस एक्ट कहाँ पे एक्सटेंड होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी हमने कि डॉक्यूमेंट क्या है, कोर्ट क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या हुआ, रिलेवेंट मतलब क्या हुआ, फैक्ट इन इशू क्या हुआ, साथ ही हमने देखे एविडेंस क्या है, कितने टाइप्स के हैं, और डिफरेंस भी हमने देखा फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बीच में। अब जो हमारा पार्ट टू वीडियो, ये बहुत ही बेसिक टर्म है जो हमने पार्ट वन में कवर करी है, पर बहुत से लोग इसी में ही कंफ्यूज रह जाते हैं, उलझ जाते हैं, इसीलिए इनका एविडेंस एक्ट क्लियर नहीं होता, हमेशा डाउट क्रिएट होता है क्योंकि वो एनालिसिस कर ही नहीं पाते सेक्शंस का बेसिक क्लियर ना होने की वजह से। अब जो पार्ट टू वीडियो हम कवर करेंगे, पार्ट टू वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कल आपके साथ हम रिलेवेंसी क्या होती है और एडमिसिबिलिटी क्या होती है। एडमिसिबिलिटी जो है ये अपने आप में वापस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिजम्पशंस लॉ कैसे करता है, कितने टाइप्स के प्रिजम्पशंस होते हैं और डिफरेंसेस क्या होते हैं उन प्रिजम्पशंस के अंदर। तो एविडेंस एक्ट में अगर बेसिक देखा जाए तो तीन टर्म है जिन पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज मैटर इन इशू और फैक्ट इन इशू, सेकेंड हम बोलते हैं कि रिलेवेंट फैक्ट या रिलेवेंसी पे, और थर्ड हम बोलते हैं एडमिसिबिलिटी पे। ये तीन टर्म्स पे अगर आपकी कमांड हो गई, क्लियर हो गए, आपको एविडेंस एक्ट सबसे ईजी लगेगा। तो चलिए डेट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, पार्ट टू आपके सामने जल्दी ही हम लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए आप क्लिक बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, डेट्स ऑल फॉर द डे।